हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको और भी अच्छा करने के लिए लारी फूड हब आपके लिए लेकर आई है न्यू रेसिपी। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। और हाँ गाइज, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं गाइज आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल की गोश्त की रेसिपी। तो चलिए गाइज, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कुकर में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल को हम अच्छे से हीट करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तब हम इसमें 1 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 1 बड़ी इलायची। यहाँ मैं 3 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक का पकाऊँगी। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक हम इसके मसाले को रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने जार में 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं। नेक्स्ट यहाँ मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा और हरे मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। आप देख सकते हैं गाइस, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। जो भी हमने मसाले कलेक्ट किए थे उसका हम पेस्ट बना लेंगे और उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक मेरा पिसा हुआ था तो इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया था। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक मसाले हमारे अच्छे से भून जाए। नेक्स्ट अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। आप नमक इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि चने के दाल में भी नमक ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे हम नमक का यूज़ कम करेंगे। 6 से 7 मिनट तक हम सारे मसालों को भूनेंगे, जब तक कि मसाले हमारे ऑयल अच्छे से रिलीज़ ना कर दें। आप देख सकते हैं गाइस, जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा तो वो ऑयल रिलीज़ कर देगा, तब आप समझिएगा कि मसाला हमारा भुन गया है। नेक्स्ट यहाँ मैं मटन ऐड करूँगी। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं नहीं चाहती गाइस आपसे कोई भी वीडियो मिस हो। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ मैंने मसालों को मटन के साथ अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और हम कुकर को बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक का पकाएंगे, जिससे कि हमारे गोश्त अच्छे से गल जाएं। हम इसको 5 से 6 सीटी लगाएंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, बट हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे कि गोश्त हमारा ज़्यादा ना गल जाए। और हाँ गाइस, अगर आप इंडक्शन पे कुक कर रहे हैं तो आप इसको 1300 पे कुक कीजिएगा, और अगर आप गैस पे पका रहे हैं तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा। यहाँ मेरा 3 से 4 सीटी लग चुका है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। अगर आपको चने की दाल की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आई बटन पे भी ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहां मैं चने का दाल ऐड कर रही हूं, इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आई बटन पर मैं लगा दूँगी वीडियो, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा और यहाँ पे मैं देसी घी का बिरयान ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गार्निश के लिए यहाँ मैं धनिया पत्ते का यूज़ कर रही हूँ। आई होप गाइस आपको ये हमारे चना दाल गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये चना दाल गोश्त की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।